कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम हेनरी है वो अपने पिता और बड़े भाई एंगस के साथ न्यूजीलैंड में भेड़ों की खेती करता है और उसके पिता भेड़ों की खेती में हेनरी की बढ़ती काबिलियत को देखकर उस पर काफी गर्व करते हैं। पर दूसरी तरफ उसके भाई को ये सब अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद एंगस हेनरी की सबसे प्यारी भेड़ जो कि हेनरी की खास पालतू भेड़ थी उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। अब जब हेनरी वापस घर लौटता है तो उसे अपनी भेड़ नहीं मिलती, जिसके बाद वो उसे वेयर हाउस में ढूंढता है जहाँ उसका भाई एंगस अपने छोटे भाई हेनरी को उसी की पालतू भेड़ को मारकर उसकी खाल पहनकर डरा देता है और इससे हेनरी बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद इनकी हाउसकीपर मिसेस मैक यहाँ आ जाती हैं और इन्हें बताती हैं कि इनके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। इन दोनों इंसिडेंट्स का हेनरी के दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसे भेड़ों से डर लगने लगता है और साथ ही वो भेड़ों की खेती छोड़कर शहर में रहने के लिए चला जाता है। अब समय आता है 15 साल बाद का, जहां हम हेनरी को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका था और हेनरी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को अपने भाई एंगस को बेचने के लिए वापस अपने घर लौटा था ताकि वो यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वापस शहर जा सके। यहाँ हम हेनरी को भेड़ों के बीच फंसा देखते हैं। कैब ड्राइवर कार की विंडो खोलने की कोशिश करता है पर हेनरी घबराते हुए मना कर देता है। इससे हम समझ पाते हैं कि हेनरी भेड़ों से अब भी डरता है। खैर इसके बाद हेनरी भेड़ों के बीच से निकलकर अपने घर पहुंचता है जहां उसे वही हाउसकीपर मिलती है मिसेज मैक, और मिसेज मैक हेनरी को देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद हेनरी अपने बड़े भाई एंगस से मिलता है और सीधे अपनी प्रॉपर्टी की बात करता है, जिसके बाद एंगस उसे उसकी प्रॉपर्टी के लिए पैसों का चेक देता है। इस सब के बाद मिसेज मैक हेनरी के लिए फार्म टूर के लिए फार्म के मैनेजर टकर को बुलाती है पर हेनरी जाने से मना करता है क्योंकि वो पिता की मौत के बाद वहाँ कभी नहीं गया। पर मिसेज मैक किसी तरह हेनरी को मना लेती है, जिसके बाद वो टकर के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम दो पर्यावरण एक्टिविस्ट को देख पाते हैं जिनका नाम ग्रंट और एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस नाम थोड़ा सा अजीब है। खैर ये दोनों किसी जेनेटिक लैब पर नजर रख रहे थे और ये लैब एंगस के कहने पर चलाई जा रही थी। इस लैब में भेड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बेहतर नस्ल बनाई जा रही थी और ये फेल एक्सपेरिमेंट्स को एक गड्ढे में फेंक रहे थे। ग्रंट यहाँ आता है और डिस्पोज फेल एक्सपेरिमेंट के जार को निकाल कर ले जाता है ताकि वो एंगस की गैर कानूनी जेनेटिक लैब को बंद करवा सके। पर ये लोग ग्रंट का पीछा करने लगते हैं, जिस दौरान वो जार गिरकर टूट जाता है जिसमें से एक जेनेटिक हाइब्रिड भेड़ निकलकर ग्रंट को काट लेती है। पर ग्रंट किसी तरह इससे अपने आप को छुड़ाता है और दूर फेंक देता है। यह हाइब्रिड भेड़ रेंगते रेंगते जंगल से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वो हाइब्रिड जेनेटिक भेड़ एक नॉर्मल भेड़ को काट लेती है। इधर टकर हेनरी को फार्म टूर करा रहा था कि इतने में उनके सामने एक भेड़ आ जाती है। ये दोनों कार से बाहर निकलते हैं। टकर देखता है कि भेड़ के चेहरे पर किसी ने काटा है पर टकर इसे इग्नोर करके भेड़ को रास्ते से हटाकर दूसरी तरफ करने की कोशिश करता है। पर इतने में एक्सपीरियंस यहाँ आ जाती है और इन्हीं की बंदूक इन्हीं पर तान देती है। इसके बाद एक्सपीरियंस ग्रंट को जंगल में ढूंढने के लिए जाती है और ग्रंट को आवाज लगाती है। ग्रंट भी जंगलों में होता है पर वो एक्सपीरियंस को कोई भी रिस्पांस नहीं देता है क्योंकि उस इन्फेक्टेड जेनेटिक भेड़ के काटने से ग्रंट बदल रहा था। ग्रंट एक खरगोश को पकड़ता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। अभी सबसे हम समझ पाते हैं कि इन्फेक्टेड हाइब्रिड जेनेटिक भेड़ एक फेल एक्सपेरिमेंट थी और इसीलिए डॉक्टर्स उसे डिस्पोज करने वाले थे, पर ग्रंट ने उसे गिराकर बहुत बड़ी गलती की क्योंकि भेड़ के काटने से वो इन्फेक्टेड हो चुका है और एक कैनिबल भी बन चुका है। खैर इधर टकर चालाकी से एक्सपीरियंस के हाथों से गन छीन लेता है, जिसके बाद हेनरी एक्सपीरियंस से परिचित होता है और बताता है कि उसका नाम हेनरी ओल्डफील्ड है। यह नाम सुनकर एक्सपीरियंस को समझते देर नहीं लगती कि ये एंगस ओल्डफील्ड का भाई है। एक्सपीरियंस तुरंत ही हेनरी को एंगस की गैरकानूनी लैब में चलाई जा रही गैरकानूनी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है जो भेड़ों पर किए जा रहे थे। इसी बीच टकर को किसी घर में से धुआं निकलता दिखता है, जिसके बाद ये तीनों उस घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस घर के मालिक की लाश वहां पड़ी है जो खून से लथपथ है। तभी एक भीड़ इनकी ओर बढ़ती है पर हेनरी डरकर दरवाजा बंद कर देता है। टकर कहता है कि वो एक भेड़ है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों हम जानते हैं कि हेनरी भेड़ों से डरता है। खैर वो भीड़ दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है और उसका मुंह खून में था। टकर ज्यादा देरी ना करते हुए उस भेड़ के सिर में गोली मारता है, जिससे वो भेड़ वहीं मर जाता है। ये तीनों बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही इनके सामने भेड़ थी पर वो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं थी। टकर यहाँ से निकलता है पर हेनरी इनके बीच में गुजरने से डर रहा था। एक्सपीरियंस भेड़ों पर ना ध्यान देने के लिए कहती है, जिसके बाद हेनरी यहाँ से निकलता है और ये तीनों वापस कार के पास पहुँचते हैं। ये घर के लिए निकलते हैं पर एक इन्फेक्टेड भेड़ कार में आ जाती है और टकर के पाँव पर काट लेती है। इसके बाद ये तीनों कार से कूद जाते हैं, जिसके बाद इनकी कार खाई में गिरती है और वो इन्फेक्टेड भेड़ मारी जाती है।
दूसरी तरफ ग्रंट को पकड़ने के लिए डॉक्टर्स खाली हाथ वापस लौट आते हैं, जिसके बाद डॉक्टर रस इनसे बाकी के फेल एक्सपेरिमेंट्स को डिस्पोज करने के लिए कहती है। इनमें से एक उन्हें फेंकने के लिए जाता है, जहां उसके सामने कुछ भेड़े आ जाती हैं। उसे ये नॉर्मल भेड़े लगती हैं, पर ऐसा नहीं था, बल्कि ये इन्फेक्टेड नहीं हो रही। ये भेड़े इस डॉक्टर पर हमला कर देती हैं और मार देती हैं। इधर एंगस को हेनरी का कैब ड्राइवर घर के बाहर दिखता है, जिससे एंगस समझ जाता है कि हेनरी वापस शहर नहीं लौटा है। इसके बाद एंगस हेनरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एंगस को रास्ते में ग्रंट दिखता है, जो एंगस का रास्ता रोके खड़ा था। एंगस उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, पर ग्रंट उसके हाथ पर काट लेता है और भाग जाता है। दूसरी तरफ ये तीनों एंगस की लैब की ओर जा रहे थे। टकर के पाँव में दर्द हो रहा था, जिसके बाद टकर अपना जूता निकालता है। वो देखता है कि उसका पाँव भेड़ जैसा हो गया है। ये देखकर टकर घबरा जाता है, पर तभी बहुत सी भेड़ें इनकी ओर आ रही थीं और अब ये सब पूरी तरह इन्फेक्टेड थीं। ये तीनों भागते हैं और लैब में आ जाते हैं। इन्हें लैब में भेड़ दिखती हैं, जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। टकर लैब के इंचार्ज डॉक्टर रस पर अपनी बंदूक तानता है कि इतने में एंगस आ जाता है। हेनरी एंगस को बताता है कि भेड़ें आक्रामक हो गई हैं और वो हमला कर रही हैं, पर एंगस और डॉक्टर रस इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अभी भेड़ों को आक्रामक होते हुए नहीं देखा है। डॉक्टर रस टकर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती हैं, जिसके बाद एंगस टकर से बंदूक छीन लेता है और हेनरी पर पॉइंट करता है, टकर इनसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद हेनरी और एक्सपीरियंस लैब से बाहर निकलते हैं, पर इन्फेक्टेड भेड़ें इनका रास्ता रोकती हैं, जिसके बाद ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और इस बीच ये उसी गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसमें फेल एक्सपेरिमेंट्स और बाकी चीजें फेंकी जाती थी। ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एंगस वापस घर पहुँचता है, जहाँ मिसेज मैक हेनरी के बारे में पूछती हैं। इस पर एंगस बताता है कि हेनरी वापस शहर लौट गया है, यानी एंगस मिसेज मैक को हेनरी के बारे में झूठ बताता है, क्योंकि शायद एंगस नहीं चाहता कि हेनरी जिंदा बचे। दूसरी तरफ हेनरी और एक्सपीरियंस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी इन्हें एक इन्फेक्टेड भेड़ की आवाज़ आती है, जो इनकी तरफ आ रही थी। इन्हें एक छोटी सी सुरंग दिखती है, जिसमें से ये बाहर निकलते हैं और एक फार्म हाउस के पास आकर रुकते हैं। और यहाँ इस फार्म हाउस में इन्हें एक इंसानी भेड़ दिखती है, जो कि आम भेड़ों से काफ़ी बड़ी थी। और ये भेड़ और कोई नहीं बल्कि ग्रंट था, जो अब पूरी तरह भेड़ में तब्दील हो चुका था। ग्रंट इन पर हमला कर देता है, पर ये ग्रंट को फार्म हाउस में ही बंद कर देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इस बीच हम एंगस को देख पाते हैं, जो बहुत से बिजनेसमैन को प्रेजेंटेशन दिखाता है इंसानों द्वारा बनाई गई जेनेटिक भेड़, और ये भेड़ थी एंगस का सफल एक्सपेरिमेंट, जिससे एंगस बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाला था। और दोस्तों, ये भेड़ इन्फेक्टेड नहीं थी और ना ही फेल एक्सपेरिमेंट, बल्कि ये ही वो भेड़ है जिसके लिए एंगस इतनी मेहनत कर रहा था। खैर, ये भेड़ जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। इस भेड़ की आवाज़ सुनकर सभी इन्फेक्टेड भेड़ें यहाँ आ जाती हैं और एंगस के प्रेजेंटेशन देखने आए सभी लोगों को मारकर उन्हें खाने लगती हैं। पर ये भेड़ें एंगस को कुछ नहीं करती, क्योंकि एंगस भी इन्फेक्टेड हो गया था जब ग्रंट ने उसे काटा। खैर, दूसरी तरफ डॉक्टर रस ने भेड़ों के इस इन्फेक्शन की दवाई बना ली थी। डॉक्टर रस टकर को इंजेक्शन देती है, जिसके बाद टकर वापस ठीक हो जाता है। डॉक्टर रश इस इन्फेक्शन की दवाई को एंगस को देने के लिए निकलती हैं, पर बीच रास्ते वो इन्फेक्टेड भेड़ें डॉक्टर रस को भी मार देती हैं। इधर हेनरी और एक्सपीरियंस मिसेज मैक के साथ घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें फिर से ग्रंट मिलता है। मिसेज मैक उसे मारने की कोशिश करती हैं, पर एक्सपीरियंस उसे स्टिक की मदद से बेहोश कर देती है। इसके बाद ये घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर इनके सामने बहुत सी इन्फेक्टेड भेड़ें थीं। यहाँ मिसेज मैक का ध्यान हेनरी के हाथ पर जाता है, जिस पर काटने का निशान था, यानी अब हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ये तीनों पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं, जहाँ हेनरी एंगस को रोकने का फैसला करता है और इन दोनों को किसी सुरक्षित जगह जाने के लिए कहता है। जाने से पहले एक्सपीरियंस हेनरी को किस करती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि हेनरी अब दोबारा मिलेगा या नहीं, इसीलिए वह हेनरी के सामने अपना प्यार जाहिर करती है। इसके बाद हेनरी भेड़ की खाल पहनता है और भेड़ों के बीच से निकलता है, पर अचानक दूसरी भेड़ हेनरी के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर से भेड़ की खाल निकल जाती है। पर इसके बावजूद कोई भी भेड़ हेनरी पर हमला नहीं करती। हेनरी को जल्दी रियलाइज हो जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, जिस वजह से भेड़ें उस पर हमला नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ एंगस एक प्लेन की मदद से अपनी बनाई गई भेड़ के साथ भागने की प्लानिंग कर रहा होता है, पर एंगस पर इन्फेक्शन का पूरा असर होने लगा था, जिस वजह से एंगस एक इंसानी भेड़ बन जाता है। हेनरी यहाँ आता है, पर एंगस उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही प्लेन के फैन से टकराकर घायल हो जाता है।
टकर लैब से निकलकर हेनरी के पास आता है और उसे वही दवाई देता है जिससे वो ठीक हुआ था। दवाई देते ही हेनरी ठीक हो जाता है, लेकिन एंगस अभी तक जिंदा था। वो उन इन्फेक्टेड भेड़ों के पास जाता है जहाँ वो इन्फेक्टेड भेड़ें एंगस को खा जाती हैं। ये सभी भेड़ें मेथाइन गैस छोड़ रही थी जिसका फायदा उठाकर हेनरी उन पर अपना लाइटर फेंक कर मारता है और बूम, ये सभी भेड़ें जलकर मारी जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बची हुई भेड़ों को और इन्फेक्टेड इंसानों को टकर दवाई देता है और इनमें ग्रंट भी शामिल था। अब हेनरी अपना मन बदलता है और फिर से भेड़ों की खेती में लग जाता है और इसमें इनका साथ देते हैं टकर और एक्सपीरियंस। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।